सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस पोर्शन में हम सीआरसी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डील करेंगे। कल हमने कुछ थ्योरी डील की थी और आज हम कुछ और क्वेश्चंस को डील करेंगे और देखेंगे कि हम उसमें अपना जो एप्लीकेशन है वो कैसे देख सकते हैं रिगार्डिंग द डिफरेंट प्रोसेस जो कि हमने कल देखा। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ एनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द अनअकैडमी प्लस, दे कैन ज्वाइन। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है ज्योति कुमारी अन अकेडमी, और आप आकर जो है मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि जब भी कोई फ्री क्लासेस होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ओके, एंड दीज आर दी कोर्सेज जो कि फिलहाल में प्लस पे चल रहे हैं। जो यूनिट्स में कवर करवाती हूँ वो है यूनिट नंबर 2, 4, 5, 6, 10, 11। ठीक है, ये यूनिट्स में कवर करवाती हूँ, तो अगर आप मुझसे डिटेल बेसिस पे पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो आप आकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। And you can use the code JyotiKLife for getting the 10% discount on your overall plus subscription. आप 6 month का subscription ले सकते हैं, 1 year का ले सकते हैं, 2 year का ले सकते हैं, depending upon your need and your level of preparation. ये जो भी amount है, अगर आप referral code इस्तेमाल करते हैं तो ये amount कुछ इतने से reduce हो जाता है। ठीक है, और अगर आपको personal coach भी चाहिए पढ़ने के साथ साथ, तो आप iconic subscription ले सकते हैं जहाँ पे आपको अपना personal coach मिल जाता है। एंड यस, अपार्ट फ्रॉम दिस एक और आपको इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, दैट इज कल जो है, कल मेरी एक फ्री क्लास होगी जिसमें कि मैं ओपेरॉन का कंसेप्ट डिस्कस करूंगी, दैट इज मेनली लैक ओपेरॉन। ठीक है, और इसकी जो टाइमिंग होगी दैट विल बी योर 18th of February, यानी कल जो है 1 बजे में ये क्लास लूंगी। तो अगर इन केस आप चाहें तो आप मुझे आके अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं। मेक श्योर ये फ्री क्लास ही है, लेकिन ये यूट्यूब पे नहीं होगी, ये अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे होगी। 60 मिनट का एक क्लास होता है, दैट इज 1 घंटे का एक क्लास होता है, तो आप आकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं आपको, तो आप ज्योति कोड इस्तेमाल करके सारे ही क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं। टाइमिंग होगी 1 PM, नोट डाउन करके रख लीजिए अगर आप इस क्लास को अटेंड करने में इंटरेस्टेड हैं तो। जी सभी को गुड इवनिंग, नैना, पूजा, काजल, मीना, कंचन, आयुष, रजनीश, सभी को वेरी वेरी गुड गुड इवनिंग। तो आज का जो हमारा पोर्शन है उसमें हमने, जैसे कल हमने पूरा का पूरा सीआरचिन का बहुत से प्रोसेसेस हमने डिस्कस किए थे, और उसके साथ हम आज कुछ बेसिक और जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सीआरचिन के बारे में जब हम बात करते हैं तो कल हमने देखा था कि सीआरचिन के नॉर्मल जो बेसिस पे लिगेंड्स होते हैं उनके अंदर, मेनली लिगेंड कहाँ प्रेजेंट होता है, लिगेंड प्रेजेंट होता है स्पॉम्प के सरफेस पे इन द फॉर्म ऑफ, उसका नाम क्या है, दैट इज बिंडिन। ठीक है, एग के सरफेस के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है, दैट इज EBR1। इसके अलावा जो डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रहा था कल वो कौन होता है, वो प्रेजेंट होता है एग के ऊपर, यानी मेनली एग जेली में, जिसका नाम होता है रिसेप्ट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के मामले में हमने कल देखा था ये किस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, होता है एक्सटर्नल। ये चीजें हमने कल देखी थी, आज हम देखते हैं कि एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन हो कैसे रहा है। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, दैट इज
आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पर्म कॉन्टैक्ट द एग जेली. सबसे पहले स्पर्म जो है आकर एग जेली को कॉन्टैक्ट करता है, एज वेल एज उसी टाइम पे इसका जो एक्रोसोमल प्रोसेस होता है वो फॉर्म होना शुरू हो जाता है. एक्रोसोमल प्रोसेस का फॉर्म होने का मतलब ये हो गया कि एक्रोसोमल जो एंजाइम्स होते हैं वो अपना काम करना यहाँ से शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये जो आउटर लेयर होती है उसे डिजोल्व करना शुरू कर देता है. एंड जब एक्रोसोमल प्रोसेस फॉर्म होता है तो उसके चारों तरफ बिंडिन जो होते हैं वो एक्सप्रेस हो जाते हैं. ओके, सो एक पहले तो स्पर्म की कांटेक्ट होगा एग जेली से, उसके बाद एक्रोसोमल रिएक्शन शुरू होगा जिसकी वजह से बिंडिन जो है एक्रोसोमल प्रोसेस पे आकर खुद को एक्सप्रेस कर लेंगे. आफ्टर दैट एग जेली का डाइजेशन शुरू होगा, क्योंकि एक्रोसोमल रिएक्शन होते ही जितने भी एंजाइम एक्रोसोम में स्टोर होते हैं वो बाहर रिलीज हो जाते हैं. एंड आफ्टर दैट फाइनल नेक्स्ट स्टेप में जो है जितना भी बिंडिन एक्सप्रेस हुआ है वो क्या करेगा, वो व्हाइट लाइन एनवलप पर जाकर बाइंड कर जाएगा. किससे? बिंडिन बाइंड करेगा ईबीआर से. फाइनली फ्यूजन ऑफ एक्रोसोमल प्रोसेस मेम्ब्रेन एंड दी एग मेम्ब्रेन. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जाकर जो है फाइनल स्टेप जो होता है वो होता है फ्यूजन, जिसमें कि एक्रोसोम का मेम्ब्रेन और एग मेम्ब्रेन दोनों ही फ्यूज जाते हैं और वहां पर जाकर फाइनल आप कह सकते हो दैट इज फर्टिलाइजेशन देखने को मिल जाता है. तो ये एक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है जहां पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड हैप्लॉइड एग आकर दैट इज मेट करेंगे एंड आफ्टर दैट जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा. और इस ढंग से जो है फाइव स्टेप में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है. एक और डायग्राम यहाँ पे है, उसकी हेल्प से भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है यहाँ पे कांटेक्ट होता है, फिर एक्रोसोमल रिएक्शन, फिर एक्रोसोमल प्रोसेस बनता है, फिर बाइंडिंग होता है स्पर्म का रिसेप्टर से, फ्यूजन होता है एंड देन स्पर्म की एंट्री होती है. तो ये थोड़ा सा बड़ा इमेज है जो कि आपको एक क्लियर कट आइडिया दे रहा है कि ये काम कैसे कर रहे हैं. ठीक है, ओके. यहाँ पे एक मेन फैक्टर आता है जिसे हम यहाँ पे आप देख सकते हो, दैट इज जिसे हम कॉर्टिकल ग्रैन्यूल कहते हैं. कॉर्टिकल ग्रैन्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने की बात करते हैं. ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और कंसेप्ट चला आता है कि अगर फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में हमने कहा कि स्पर्म दैट इज एक एन सॉरी ये कंसेप्ट हमने देखा, ये नॉर्मली होता है, लेकिन पॉलीस्पर्मी में क्या होगा? पॉलीस्पर्मी में प्लॉइडी कंडीशन जनरेट हो सकती है, मतलब कि एक सिंगल एग से मल्टीपल स्पर्म आकर बाइंड करेगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, प्लॉइडी कंडीशन जनरेट हो जाएगी जो कि क्या होगा, लेथल होगा. एक्सक्यूज मी, लेथल यानी हार्मफुल कंडीशन. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म में इस ढंग से चीजें डिजाइन होके रखी हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद पॉलीस्पर्मी को रोकने का काम किया जाए. ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीस्पर्मी को अगर रोकना हो, यानी पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है मल्टीपल स्पर्म का एक सिंगल एग से जाकर दैट इज फ्यूज हो जाना, इसे हम कहते हैं दैट इज पॉलीस्पर्मी. अब इस पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए क्या किया जाता है, दैट इज प्रिवेंशन मेजर्स है. पॉलीस्पर्मी का प्रिवेंशन होता है. पॉलीस्पर्मी के प्रिवेंशन में टोटल दो टाइप होते हैं जब हम सी आर्चिन की बात करते हैं. पहला होता है फास्ट ब्लॉक, नेक्स्ट होता है स्लो ब्लॉक. ये दो ब्लॉक से पॉलीस्पर्मी कंडीशन को रोक दिया जाता है. अब ये फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक में होता क्या है, तो देखिए आज बिकॉज फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है तो फर्टिलाइजेशन होते ही 1 से 2 सेकेंड्स के अंदर अंदर फास्ट ब्लॉक शुरू हो जाता है. फास्ट ब्लॉक को हम इलेक्ट्रिकल ब्लॉक भी बोलते हैं. और ये एक्चुअल में एग के मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज कर देता है. ठीक है,
के मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज कर देता है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल ब्लॉक हुआ है, इसके बाद जब ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है, होता कैसे? तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं फास्ट ब्लॉक की बात करती हूँ यहाँ पे, लगभग 1 से 2 सेकेंड्स के अंदर अंदर ही शुरू हो जाता है, लेकिन ये इसका ऑपरेट होने का जो तरीका होता है वो काफी स्मॉल ड्यूरेशन के लिए होता है, ये बहुत लंबे टाइम तक ऐसा नहीं कर पाएगा। मुश्किल से 25 से 30 सेकेंड्स तक ये कर पाता है, या फिर मैक्स टू मैक्स 30 से 60 सेकेंड्स या 50 सेकेंड्स देखा गया, उससे ज्यादा नहीं कर पाता। यानी आप इससे कह सकते हो कि एक ट्रांजिएंट ब्लॉक होता है। लेकिन बहुत फास्ट होता है, मतलब तुरंत दैट इज फर्टिलाइजेशन होते ही ये शुरू हो जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें मेनली एग का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जो कि इनिशियली क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो जब यहाँ पे स्पर्म एंट्री लेता है ना, कहां से? वाटर से एग के अंदर एंट्री लेता है, उसी टाइम पर जो है दैट इज कुछ सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। और ये सोडियम चैनल जो है एग के अंदर चले आते हैं। आपको पता है सोडियम चैनल का, सोडियम जो है उसका चार्ज प्लस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनिशियल कंडीशन में जो नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, अब सोडियम के एंटर करने के कारण जो है यही मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है अब पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो इनिशियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, हम मानते हैं कि इट इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। एक एग का मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव रहेगा तभी जो है फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और जब पॉजिटिव होता है तो वेरी ऑब्वियस फर्टिलाइजेशन अब नहीं हो पाएगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन हो सकता है। और ये होता कैसे, जब स्पर्म एंट्री लेता है तो उसी टाइम पे सोडियम चैनल की भी ओपनिंग होती है। अब सोडियम चैनल से सारा का सारा बहुत से ऐसे सोडियम होते हैं जो कि एंटर कर जाते हैं एग सेल के अंदर, और हेंस मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज कर देते हैं टूवर्ड्स दी पॉजिटिव। और पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होने के बाद अब उस एग से कोई अगर स्पर्म आए भी ना, तो वो बाइंड नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल चाहिए होता है। तो यहाँ पे कौन सी चीजें काम कर रही है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि सोडियम चैनल काम कर रहा है। इसीलिए हम इस ब्लॉक को सोडियम मीडिएटेड ब्लॉक भी कभी कभी कहते हैं, क्योंकि सारी चीजें सोडियम पे डिपेंड होके चल रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये एक ट्रांजिएंट ब्लॉक होता है, यानी कुछ ही सेकंड में, 20-30 सेकंड के बाद ही जो है ये वापस से रिवर्ट हो जाएगा और सोडियम बाहर चला जाएगा और फिर से इस एग का मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव आ जाएगा। तो कहानी यहाँ पे ये आती है कि अगर जब ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस से रिवर्ट बैक जाएगा, और अगर उस वक्त तक कोई भी स्पर्म इसके आसपास विसिनिटी में होगा, तो उसको तो फिर से मौका मिल जाएगा, क्योंकि एक बार अगर नेगेटिव वापस से मेम्ब्रेन पोटेंशियल हुआ तो स्पर्म के पास कैपेबिलिटी चली आएगी फर्टिलाइज करने के लिए, और जस्ट मतलब 30 से 40 सेकेंड्स बाद ही ये वापस से रिवर्ट होने वाला है। तो यानी जिस चीज के लिए ये पूरा का पूरा ब्लॉक किया गया, वो ब्लॉक जो है वो काम नहीं करेगा। तो हुआ होता ये है कि फास्ट ब्लॉक के बावजूद जो है यहाँ पे सेकेंड टाइप का ब्लॉक आता है, जिसे हम कहते हैं दैट इज योर स्लो ब्लॉक। और स्लो ब्लॉक का यहाँ पे नीड ही इसलिए है क्योंकि फास्ट ब्लॉक अपने आप में बहुत लंबे टाइम का ब्लॉक नहीं होता है, तो इट इज नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल फॉर मेंटेनिंग दिस प्रिवेंशन मेथड फॉर अ वेरी लॉन्गर टाइम, नॉट इवन ये परमानेंट भी नहीं है, ट्रांजिएंट है, कुछ वक्त के लिए होता है। लेकिन इसलिए होता है क्योंकि स्लो ब्लॉक को एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, और टाइम लगने के पीछे कभी मैं आपको पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगी। तो टाइम लगने की वजह से सबसे पहले क्या होगा कि पहले जो है दैट इज फास्ट ब्लॉक किया जाएगा, ताकि भले ही कुछ सेकेंड के लिए ही सही, लेकिन ये पूरा का पूरा प्रिवेंशन बना रहे। क्योंकि स्लो ब्लॉक अगर 30 to 40 सेकेंड्स बाद होता है, तब तक तो कोई भी स्पर्म एंट्री ले लेगा अगर उसको मौका मिल गया तो। तो ये प्रिवेंशन मेथड मेक श्योर एक स्पर्म ऑलरेडी अंदर एंटर कर चुका है, उसके बाद की बात हो रही है, यानी फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो चुका है, उसके बाद किसी और स्पर्म को अंदर एंटर नहीं करने देना, इसीलिए ये प्रिवेंशन मेथड यहाँ चल रहा है।
अब स्लो ब्लॉक होता कैसे? स्लो ब्लॉक इस तरीके से होता है कि जब स्पर्म अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है तो वो पीएलसी नाम के एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। पीएलसी क्या करता है? पीएलसी तो भाई पुरानी वाली चीज है, पीएलसी दैट इज फॉस्फोलाइपेसी। फॉस्फोलाइपेसी क्या करता है? फॉस्फोलाइपेसी पीआईपी टू को, जो कि फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, इसको क्लीव करके डैग में एंड आईपी थ्री में चेंज कर देता है। और ये आईपी थ्री क्या करते हैं? ये आईपी थ्री जितना भी स्टोर्ड कैल्शियम होता है इसको रिलीज करवा देते हैं। कहां से? ईआर से। और एग के अंदर कैल्शियम का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये सारा का सारा जो भी मैं आपको बता रही हूं मेथड, ये सारा कुछ एग के अंदर होता है कि रिसेप्टर, स्पर्म ने आकर एग के रिसेप्टर से बाइंड किया और एग के अंदर पीएलसी का एक्टिवेशन हो गया, फिर पीआईपी टू को क्लीव करके डैग में बदला गया और आईपी थ्री में बदला गया। आईपी थ्री आपको पता है कि ये दैट इज योर कैल्शियम चैनल को ओपन करवा सकता है एंड हेंस कैल्शियम का कंसंट्रेशन जो है सेल के अंदर बढ़ गया। अब ये कैल्शियम का काम क्या होता है? इस कैल्शियम का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कैल्शियम एक्चुअल में कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को एक्टिवेट करवाता है एंड कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स यहां पे एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करते हैं? वो फिर स्लो ब्लॉक को संभाल लेते हैं। ठीक है, अब ये स्लो ब्लॉक को संभालते कैसे हैं जरा सा हम ये भी देख लेते हैं। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं स्लो ब्लॉक के बारे में, जिसमें हमने ये कहानी पढ़ी कि कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ा और उसने क्या किया? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल का रिएक्शन करवा दिया, सीजी रिएक्शन करवा दिया। अब ये रिएक्शन होने के बाद क्या होगा? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स में भी बहुत से एंजाइम्स स्टोर होते हैं, वो एंजाइम्स क्या होते हैं? जैसे ही कॉर्टिकल ग्रैन्यूल एग के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होने लगता है, वो जो एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज होने लगते हैं। अब रिलीज होने के बाद इनका काम बहुत सारा है। पहला काम क्या होता है? पहला काम इनका ये होता है कि जो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन है एंड सेल मेम्ब्रेन है, इनके बीच का जो स्पेस है उसको थिक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट जो आउटर लेयर होती है उसको फर्टिलाइजेशन एनवलप में चेंज कर देना। और ऐसा करने के लिए ये बहुत सारा O2 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं एंड उसके बाद जो है ये फर्टिलाइजेशन एनवलप बनाते हैं। फर्टिलाइजेशन एनवलप बनते ही क्या होता है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द एग, वो प्रॉपर्टीज वो लूज कर देता है, जिसकी वजह से अब कोई और स्पर्म आया तो उस एग पे बाइंड ही नहीं कर पाता है। ठीक है, साथ ही साथ ये एक और दैट इज प्रोटीएज रिलीज करता है जिसका नाम है ओवास्टासिन। ओवास्टासिन क्या करता है? ओके सॉरी, यहां पे ओवास्टासिन नहीं आएगा, वेट अ मिनट। ओवास्टासिन माउस के केस में आता है। ओके, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एनवलप क्रिएट होगा एंड इसके अलावा जो है दैट इज हायलिन लेयर का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि आगे चल के जब क्लीवेज होगा तो ब्लास्टोमियर्स को आपस में कनेक्ट करके रखने में हेल्प करेगा एंड फाइनली जो है और जो भी सरफेस की प्रॉपर्टी होगी दैट इज एक्स सरफेस की प्रॉपर्टी, वो पूरी की पूरी ही चेंज हो जाएगी। और इस तरीके से यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स प्रेजेंट थे एग सरफेस के ऊपर जो कि फर्टिलाइजेशन को दोबारा करवा सकते हैं किसी और स्पर्म के साथ, उन सभी चीजों को रिमूव कर दिया गया एंड रिमूव करने के बाद अब जो है कोई एडिशनल स्पर्म अगर बाइंड भी रह गया ना तो भी वो स्पर्म दैट इज तो भी वो एग को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। और इस तरीके से इन सभी चीजों की वजह से हमारे पास क्या देखने को मिलता है? दैट इज स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी।
ठीक है, इस तरीके से जो है पूरा स्लो ब्लॉक मेंटेन होता है, दैट इज इन केस ऑफ द सीआरचेन। तो यहाँ पे दो चार क्वेश्चन बनते हैं कि स्लो ब्लॉक कैसा होता है। तो स्लो ब्लॉक को हम कैल्शियम मीडिएटेड ब्लॉक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये जो पहले ही कॉर्टिकल ग्रैन्यूल एक्टिवेट हुआ है वो कैल्शियम की वजह से एक्टिवेट हुआ है, एंड दैट इज वाई हम इसे दैट इज योर सी कैल्शियम मीडिएटेड ब्लॉक कहते हैं। स्लो ब्लॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि थोड़ा लेट स्टार्ट होता है। क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि फास्ट ब्लॉक पूरा काम नहीं कर सकता, इसीलिए स्टार्ट होता है। दूसरी कहानी यहाँ पे ये आती है कि स्लो ब्लॉक के रहते हुए फिर फास्ट ब्लॉक क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि फास्ट ब्लॉक जल्दी एक्टिवेट हो सकता है, दैट इज वाई वो पहले एक्टिवेट होकर चीजों को संभाल लेता है थोड़ी देर के लिए, एंड आफ्टर दैट कुछ टाइम बाद ही 30 to 40 seconds बाद ही स्लो ब्लॉक यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि आगे के प्रोसेस को संभाल लेता है, क्योंकि फास्ट ब्लॉक जो है ये रिवर्सिबल होता है, वापस से रिवर्स हो जाएगा, इसीलिए उसी ड्यूरेशन के अंदर अंदर स्लो ब्लॉक को चलाना जरूरी हो जाता है। जी, इज इट क्लियर? किशोर जी, आप वेबसाइट चेक करते रहा कीजिए, पता चल जाएगा जब भी निकलेगा फॉर्म। के पवार, नेट क्वालिफाई हो गया तो बीएड करने की जरूरत क्या है? तो ये आपका अपना प्रेफरेंस है, अगर आपको स्कूल वगैरह में पढ़ाना है तो वो लोग को बीएड वो लोग कंपल्शन कर देते हैं, ठीक है? तो वो आपके बीएड एक समथिंग वो ऐसा कुछ है जो कि आपको मतलब वो कहते हैं ना कि एक स्टैंप दे देता है आपको पढ़ाने का, दैट इज वॉट। तो ये अपना अलग अलग कॉलेज के अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये वैरी करता है। एलएस करके आप प्रोफेसर गिरी कर सकते हैं भाई, और क्या कर सकते हैं? एलएस के आगे लिखा तो आता है असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी आप किसी यूनिवर्सिटीज वगैरह में या कॉलेज वगैरह में जाकर पढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये हो गई दैट इज योर सी आर्चिन का पूरा दैट इज योर फर्टिलाइजेशन, पॉलीस्पर्मिंग प्रिवेंशन, एंड कल हमने देखा था बेसिक। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, हम वो कर सकते हैं। आई होप वो क्वेश्चन अब आप लोगों से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, चलिए, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। जी, पीएचडी के बिना अगर आप कहीं पढ़ाते हैं तो वही होगा, आपका प्रमोशन रुक जाता है, आप एक ही लेवल पे पढ़ाते रहते हैं, देर विल बी नो इंक्रीमेंट इन सैलरी, नथिंग एल्स, नो प्रमोशन कहा जाए तो एक सिंपल भाषा में। इसलिए पीएचडी मैंडेटरी हो गई है। If you want to promote yourself, if you want to get a promotion, if you want to get a better position in any reputative universities, then you have to do PhD. जी, क्या होगा इसका आंसर? जी सोनेन्द्री, ये डेवलपमेंटल की क्लास है, प्लस पे मैं कवर कर चुकी हूँ, और अगर आपने प्लस पे पढ़ा है तो यहाँ पे देखने का जरूरत नहीं है, यू कैन स्किप। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पीसीज स्पेसिफिक प्रोटीन इन द सी आर्चिन विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिकॉग्निशन ड्यूरिंग द एक्रोसोमल रिएक्शन। कौन सा यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटीन होता है? सो इट विल बी नन अदर देन विंडिन, ठीक है, विंडिन। ओके, अगला क्वेश्चन। ओके सोनेन्द्री, सुनेंद्री जी थोड़ा सा अपडेटेड रहा कीजिए भाई, आप 4-5 महीने पुरानी न्यूज पूछ रही हैं मुझसे, थोड़ा अपडेटेड रहिए, मास्टर के स्टूडेंट्स हैं आप लोग। इन इकाइनोडर्म्स स्पर्म डायरेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय, स्पर्म का डायरेक्शन इकाइनोडर्म्स में कौन प्रोवाइड करता है? कल आपको बताया मैंने, आज भी बताया, स्टार्टिंग के ही स्लाइड में बताया,
it should be reset, right? चलिए अगला देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके चलिए ये भी क्वेश्चन मजेदार है, जो समझा है हमने उसी के ऊपर है. द फर्टिलाइजेशन सी आर्जिन इन्वॉल्व द इंट्रैक्शन ऑफ स्पर्म बिंडिन विद इट्स रिसेप्टर ईवीआर विच इज अ 350 केडीए ग्लाइकोप्रोटीन ऑन एग वाइटलैंड मेम्ब्रेन. द प्लॉट गिवन बिलो शोज द स्टेटस ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड द लेवल ऑफ ईवीआर वन सोडियम एंड पोटेशियम इन एन अनफर्टिलाइज एग. सो ईवीआर वन के लिए ये आपको बार दिया गया है एंड सोडियम के लिए ये डार्क वाला बार एंड दिस वन इज फॉर द पोटेशियम. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द कंडीशन विद इन द एग 1 to 3 सेकेंड्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. तो हमको पता है 1 से 3 सेकेंड्स के अंदर अंदर जो प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो जाएगा उसे हम कहेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो शुरू होगा उसे हम कहेंगे दैट इज द फास्ट ब्लॉक. और फास्ट ब्लॉक सोडियम मीडिएटेड होता है. तो पहला ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पर EBR1 का कंसेंट्रेशन एज इट इज मेंटेन है, ठीक है. सोडियम का कंसेंट्रेशन थोड़ा बढ़ा है, ओके फाइन. सोडियम का कंसेंट्रेशन भी बढ़ेगा एक के अंदर क्योंकि सोडियम एंट्री लेता है, लेकिन पोटेशियम का कंसेंट्रेशन एज कंपेयर टू द कंट्रोल इतना अनयूजुअल क्यों बढ़ा? क्योंकि पोटेशियम की तो कंसेंट्रेशन में कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, जितना है वो एज इट इज रह रहा है, वो बाहर थोड़ी जा रहा है. हमने बोला था दैट इज सोडियम चैनल ओपन हुआ था, हमने सोडियम पोटेशियम पंप नहीं कहा था, तो सिर्फ सोडियम चैनल ओपन हुआ था, तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट. सिमिलर केस विद दिस ऑल्सो, देखिए ये भी दोनों बढ़ा हुआ है, गलत. नेक्स्ट थर्ड देखिए, थर्ड में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि EBR1 का कंसेंट्रेशन एज इट इज है, सोडियम का कंसेंट्रेशन बहुत बढ़ गया है एंड पोटेशियम का कंसेंट्रेशन एकदम लो है, बिल्कुल सही, ओके. अच्छा यहाँ पे ना एक और चीज आप मेंशन कर सकते हैं जो कि मैं बताना भूल गई हूँ शायद, कि जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है एग का वो लगभग -75 mV कंसिडर किया जाता है, लेकिन जब सोडियम एंटर करता है तो उसके बाद यही पोटेंशियल पॉजिटिव में चेंज होने के टाइम पे ये +20 mV हो जाता है. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए ये 70 -75 से शुरू हो रहा है एंड बाद में प्रिवेंशन करते टाइम पे ये +20 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है. और जो पोटेशियम का कंसेंट्रेशन है वो एज इट इज मेंटेन रहेगा एंड दैट इज व्हाई वी आर सिलेक्टिंग द थर्ड ऑप्शन. नितिन लग रहा है आप गलत क्लास में एंटर कर गए हैं, ये लाइफ साइंस की क्लास चल रही है और आई थिंक मुझसे आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ रहे हैं. तो प्लेटफॉर्म पे बहुत से केमिस्ट्री के एजुकेटर्स हैं, इट वुड बी बेटर अगर आप उनकी क्लासेस अटेंड करें, आपको थोड़ा बेटर गाइडेंस मिल पाएंगे, ओके. चलिए तो नेक्स्ट बाकी जो क्वेश्चन है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे. सॉरी कल तो नहीं है क्लास, आई थिंक यस 22 को है अगली क्लास, तो बाकी जितना भी पोर्शन रह गया है वो हम 22 को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. आज की जो है क्लास यहीं पे समाप्त होती है, ओके. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इफ एनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग मी ऑन द प्लस, आप ज्वाइन कर सकते हैं. मेक श्योर कल मेरी एक फ्री क्लास है जो कि अटेंड करना आपको भूलना नहीं है, कल ये फ्री क्लास है, ठीक है, 1 बजे है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लैक ओपेरॉन हम वहां पे पढ़ेंगे, 1 बजे है कल, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 घंटे की क्लास होगी, ठीक है. और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड हो, यानी जो यूनिट्स मैं पढ़ा रही हूँ उसको स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ना हो, कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो, तो आप मुझसे आकर अनअकैडमी प्लस पे पढ़ सकते हैं. यू कैन यूज द कोड ज्योति और ज्योति के लाइफ फॉर गेटिंग द 10% डिस्काउंट ऑन योर ओवरऑल पेमेंट. अमीना ड्यू टू सर्टेन प्रॉब्लम्स कॉम्बैट जो है अभी रोक दिया गया है, ओके. चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग गाइस, बाय बाय.